जानकारी यही है कि गिरिडीह से एक सिख समाज का एक जत्था जो है रांची के लिए रवाना हुआ था, बस टाटी झरिया में जो है पुल से नीचे गिर गई है और अभी तक हम लोग की जानकारी के हिसाब से 7 लोगों की मृत्यु उसमें हुई है। बाकी लोग 3 अस्पताल में, सदर अस्पताल में, आरोग्य में, चिटीज में, चिटीज से एक बच्चा थोड़ा गंभीर है, वहीं से अभी हम लौट रहे हैं, उसको अभी तुरंत रेफर किया गया रांची मेडिका के लिए। बाकी पेशेंट को जो है फर्स्ट एड प्राइमरी मिल रहा है, बाकी उम्मीद है कि सब लोग जल्दी रिकवर। कैसी व्यवस्था रही है अस्पताल की? एक ये एक मेडिकल इमरजेंसी था, सभी को अटेंड किया गया, पुलिस ने भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई, अस्पताल में भी जो इनके पास साधन संसाधन है उसका उपयोग किया। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस, हर सेवा का एम्बुलेंस लगा, जिसके लोगों को इधर उधर किया गया, तो जिससे जो बन पड़ता था, चाहे वो समाज सेवा के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, सामाजिक संरचना के लोग हों, सभी लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जानकारी मिली है अभी तो बस इतनी मिली है कि सेवाने नदी में गाड़ी जो बस थी वो नीचे चली गई, चक्का ऊपर हो गया, गाड़ी नीचे थी, शायद कोई एक मोटरसाइकिल में चलने वाला जो फेरी का काम करने वाला है शायद उसको बचाने के क्रम में ये गाड़ी नीचे गई है, जो मुझे जानकारी मिली है। और वो जो मोटरसाइकिल वाला था वो भी चोटिल है और ये बस में जितने लोग थे सब उसमें चोटिल हो गए, 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा दुखद है, ये सभी गुरुद्वारा के लिए जा गए थे, रांची के लिए निकले थे, तो मुझे लगता है कि पर्पस नहीं मुझे मालूम, लेकिन कुछ न कुछ इनका गुरुद्वारा से जुड़ा हुआ धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम था। 50 के करीब है जिसमें अभी 6 लोगों की मौत हो गई है और 3 अभी वहां पे काट के निकाल, कटिंग करके बॉडी, जो गाड़ी का जो बॉडी है उसको काट के बॉडी को निकाला जा रहा है, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष है, वहाँ पे भी आ रहा है बॉडी, और यहाँ पे 2 पुरुष और 4 महिला हैं जो डेड बॉडी हम लोग रखे हुए हैं। अभी कितनी बड़ी घटना है? तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी घटना है, मेरे नॉलेज में अब तक का सबसे बड़ा घटना मेरे लिए है। टाटी झरिया के पास गिरिडीह से एक बस आ रही थी जिसमें करीबन 52 सवारी थे और सभी गिरिडीह से रांची जा रहे थे और तभी टाटी झरिया के आसपास जो सिवान नदी है उसी के पुल पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो बस है वो खाई में नीचे जा गिर पड़ी और उसके बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को अभी बाहर निकाल लिया है। 7 कैजुअल्टीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली और बाकी सभी जो घायल हैं उनको यहाँ हजारीबाग सदर अस्पताल, आरोग्यम और क्षितिज, इन 3 जगह पर हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट हम लोग करा रहे हैं। 1 पेशेंट को रिम्स रेफर किया गया है रांची, जो अभी ऑन द वे टू रांची, और बाकी राहत कार्य वहाँ पे अभी पूर्ण हो चुका है और अभी हम लोग अस्पताल में उनको बेहतर सुविधा मिले और बेहतर ट्रीटमेंट मिले उस पर।